16 मई सोमवार को पूरे विश्व में बुद्ध जयंती विभिन्न आयोजनों के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर बुद्ध विहार के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा अंबेडकर चौक पर भगवान बुद्ध के तैल चित्र पर मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित किया गया एवं खीर और शरबत का वितरण भी किया गया। सोमवार को भिलाई शहर में भी भगवान बुद्ध की जयंती धूमधाम से विभिन्न स्थानों पर मनाई गई। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर स्थित बुद्ध विहार के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर चौक पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। जयंती मनाते हुए सभी पदाधिकारियों सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने भगवान बुद्ध के तैल चित्र पर मोमबत्ती जलाया और पुष्प अर्पित कर भगवान बुद्ध के बताए मार्गों को याद किया और उन पर चलने का संकल्प भी लिया। पदाधिकारियों ने बताया कि आज पूरे विश्व में युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, जिससे पूरे विश्व में शांति कायम हो सके और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम उत्पन्न हो सके। बुद्ध विहार के पदाधिकारियों द्वारा इस मौके पर राहगीरों के लिए खीर और शरबत का वितरण भी किया गया, जिसमें राहगीरों सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी भगवान बुद्ध के महाप्रसाद खीर का स्वाद चखा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है समूचे विश्व के लिए। आज महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की जयंती का हम हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मना रहे हैं। समूचा विश्व उन्हें आज याद कर रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हमें आज युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। इस संसार को उन्होंने करुणा और शांति और अहिंसा का जो संदेश दिया, ये समूचे मानव जगत के लिए कल्याणकारी और हितकारी है। अतः उनके आदर्शों पर, उनके धम्म के मार्ग पर हम समूचे देशवासी और समूचे विश्व को उनके इस मार्ग पर चलना चाहिए, धम्म के मार्ग पर। तभी विश्व का कल्याण है और समूचे देशवासियों को और सभी लोगों को सुगत बुद्ध विहार अंबेडकर नगर और विशाखा बुद्ध महिला मंडल अंबेडकर नगर की ओर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा की आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज भगवान बुद्ध ने आदि के दिन उनका जन्म हुआ था, आदि के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था और आदि के दिन उन्होंने ज्ञान दिया था। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस को पूरा भारत का पूरा विश्व मना रहा है और ये बहुत बड़ा भारत देश यानी बहुत बड़ा महान देश इसी के कारण हुआ है, भगवान बुद्ध के कारण, जो उन्होंने अपने ज्ञान के कारण सारे लोगों को धर्म का मार्ग दिया। और आज हमने अंबेडकर चौक में मोमबत्ती जलाए अगरबत्ती जलाए हैं, पुष्प अर्पित किए हैं और खीर वितरण हुआ है और शरबत वितरण हुआ है और सुगत बुद्ध विहार में परित्राण पाठ हुआ है, पूजा अर्चना हुई है। सारे नगर के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाए हैं। बहरहाल पूरे भिलाई क्षेत्र में बुद्ध जयंती पर विविध आयोजन हुए, जिसमें बौद्ध समाज सहित सर्व समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।